सो है फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आप देख रहे हो बी प्रो इन एबाकस। तो आज हम देखने वाले हैं डबल कॉम्बिनेशन फॉर माइनस एट। मतलब जब हमें एट सब्ट्रैक्ट करने होते हैं, माइनस करने होते हैं, और हम इसे डायरेक्टली बिग फ्रेंड्स का फॉर्मूला यूज करके कर नहीं सकते ना, तब हमें बिग फ्रेंड्स के माइनस एट वाले फॉर्मूले के साथ एक स्मॉल फ्रेंड्स के फॉर्मूले की भी जरूरत पड़ती है। उसी को हम डबल कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो आज माइनस एट की बारी है। इसके पहले बहुत सारे हो गए हैं, आई थिंक 5 नंबर्स के मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं। तो मैंने डबल कॉम्बिनेशन नाम की एक प्लेलिस्ट बनाई है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वो आप ज़रूर चेक करो। उसमें आपको वो सभी वीडियोस मिल जाएंगे, वो भी आप सीख लो, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि ये ज़रा कन्फ्यूजिंग भी है, पर अगर आप यही से सीखते हो तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको ये इजी लगेगा, क्योंकि ये बहुत ही जगहों पर ये आता है डबल कॉम्बिनेशन। तो चलो फिर देखते हैं माइनस एट के लिए। तो ये डायरेक्टली एग्जांपल सॉल्व करता हूँ। पहले एग्जांपल में 20 + 3 ये 3 ऐड किए, फिर माइनस एट। अब ये देखो माइनस एट आ गया है। अब मुझे डबल कॉम्बिनेशन माइनस एट की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो आप ये देख सकते हो ये 23 है और मुझे उसमें से 8 माइनस करने हैं, पर यहाँ पर सिर्फ 3 ही बीट्स है ये, और मैं अगर ये माइनस करता हूँ तो ये सिर्फ 3 माइनस होगी, पर मुझे 8 माइनस करने हैं। तो ये डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है, पर हमने एक बिग फ्रेंड्स का फॉर्मूला सिखाया है माइनस एट के लिए, जो है -8 = -10 + 2। अब यहाँ पर मैं 10 माइनस कर सकता हूँ, ये 20 है ना, तो 20 में से 10 तो माइनस कर सकता हूँ, पर +2 के लिए यहाँ पर मेरे पास 2 बीड्स अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर सिर्फ ये 1 बीड है, तो मैं 1 ही ऐड कर सकता हूँ, पर 2 नहीं कर सकता। तो अब ये मैं कैसे सॉल्व करूँ? क्या ये इम्पॉसिबल है एबाकस पर? नहीं, ये पॉसिबल है, बस हमें एक की जगह दो फॉर्मूले की ज़रूरत है, तो उसी को हम डबल कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो ये -8 का हमारा बिग फ्रेंड्स का फॉर्मूला हमें याद करना है, जो है -8 = -10 + 2। तो उसमें से जो -10 है ना, वो हम पहले कर देंगे, क्योंकि वो डायरेक्टली हो जाते हैं। ये -10 की, अब +2 करने हैं, 2 मुझे ऐड करने हैं, पर मैं यहाँ पर डायरेक्टली तो कर नहीं सकता, 1 ही बीड अवेलेबल है ना। तो हमें +2 का स्मॉल फ्रेंड्स का फॉर्मूला याद करना है। क्या है +2 का फॉर्मूला स्मॉल फ्रेंड्स का? कि +2 = -3 + 5। तो 3 है मेरे पास, ये माइनस कर दिए, फिर 5 ऐड किए, तो ये -8 हो गए, और फिर लास्ट में दिया है +2, तो ये 2 ऐड किए, सो आर आंसर इज 17। तो ऐसे ये डबल कॉम्बिनेशन वाले एग्जांपल सॉल्व होते हैं। मतलब हमें -8 डायरेक्टली नहीं करते आ रहा है, तो हम कैसे करते हैं -10 + 2, और वो +2 भी डायरेक्टली नहीं होता है, तो हम +2 = -3 + 5 ये यूज करते हैं। मतलब अगर हम शॉर्ट में कहें, मतलब अगर आपको ये ज़रा हार्ड लग रहा हो कि पहले 10 माइनस करो, फिर 3 माइनस करो, फिर 5 ऐड करो, तो ये आप कह सकते हो -13 + 5। क्योंकि अगर 5 में से 13 जाते हैं तो ये निगेटिव आएगा, वो भी -8। 5 - 13 = -8, ये इंटीजर है, तो यही आता है। तो सेकंड एग्जांपल में भी देखो, 22 है +51, ये 51, फिर -8। अब फिर से 8 माइनस करने हैं, पर यहाँ पर मैं कर नहीं सकता ना डायरेक्टली, तो मैं क्या करूँगा, -13 + 5 करूँगा। ये 13 माइनस किए और 5 प्लस किए, फिर अब +3, सो 68। ये जो -13 + 5 है ना, ये वही है कि -10 + 2। तो -10 पहले किया मैंने, ये ऐसे 10 थे, सपोज ये 13 है, और 13 में से मुझे 8 माइनस करने हैं। अब देखो ये 13 में से 8 माइनस करने, आपको पता है 13 - 8 5 आता है, पर अब हम वो चेक करेंगे। तो ये 13 है, तो इसमें से 8 माइनस करने के लिए तो मैं करूँगा -10 + 2। तो ये 10 तो माइनस किया है, पर यहाँ पर डायरेक्टली +2 तो नहीं हो सकते ना, तो उसके लिए -3 + 5, सो आर आंसर इज 5। तो ये 5 आया। तो ये आप एकदम शॉर्टकट में भी याद रख सकते हो कि -8 का डबल कॉम्बिनेशन है -13 + 5। तो अगर आप ऐसे याद रखते हो तो बहुत ही इजी जाता है -13 + 5 ऐसे, तो आप वैसे भी ट्राई कर सकते हो। फिर थर्ड एग्जांपल में 41 + 21, 20 ऐड करने के लिए -30 + 50, और 1 एज इट इज ऐड।
फिर प्लस 11, तो 11 इसे ऐड किए, फिर माइनस 8, अब 8 माइनस करने हैं, तो फिर से वही, यहाँ पर मैं डायरेक्टली तो कर नहीं सकता, तो पहले तो माइनस 10, फिर प्लस 2 के लिए जगह नहीं है, तो प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 5, सो 65 इज आर आंसर। फिर है 52 प्लस 1, फिर है माइनस 8, अब ये ज़रा ट्रिक किया है, अब मुझे 8 माइनस करने हैं, और यहाँ पर मेरे पास माइनस 10 भी अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर एक और है कॉम्बिनेशन जो है कि माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 50 प्लस 40। ये हमें ट्रिकी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, ये हमें फ्यूचर में तो बहुत सारे आने वाले हैं, तो आप ये अभी सीख लो, आपको बस मेन फॉर्मूला याद रखना है जो है बिग फ्रेंड्स का, माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस 2, तो उसमें से आप और जो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूले है ना वो आप डिराइव कर सकते हो, कि जैसे मुझे यहाँ पर 10 माइनस करने थे तो मैंने माइनस 10 का फॉर्मूला लगाया जो था माइनस 50 प्लस 40, वो माइनस 10 मतलब माइनस 1 था स्मॉल फ्रेंड्स का, तो वो यूज़ किया, अब ये 10 माइनस हो गए, अब मुझे करने हैं प्लस 2, तो उसके लिए माइनस 3 प्लस 5, फिर है प्लस 11, तो ये माइनस 40 प्लस 50, 10 ऐड करने के लिए 1 एज इट इज, सो 56 इज द आंसर। ऐसे क्वेश्चन तो फ्यूचर में बहुत सारे आएंगे, अगर आप अभी से इसे एकदम गौर से सीखते हो तो आपको बहुत ही ईजी जाएंगे आगे, नहीं तो आगे दिक्कत भी आ सकती है क्योंकि ये ज़रा डिफिकल्ट होते हैं। 32 प्लस 2, फिर माइनस 18, 10 माइनस किए और 8 माइनस करने के लिए फिर से वही माइनस 13 प्लस 5, फिर प्लस 3, सो आवर आंसर इज 19। फिर 4 माइनस 4 प्लस 23, ये 23, फिर माइनस 8, तो फिर से माइनस 13 प्लस 5, सो आवर आंसर इज 15। फिर है 46 माइनस 5 प्लस 2, फिर माइनस 8, तो फिर से माइनस 13 प्लस 5, सो 35 इज द आंसर। 33 प्लस 1, फिर माइनस 8, तो माइनस 13 प्लस 5 प्लस 1, सो आवर आंसर इज 27। 9th एग्जांपल में 60 प्लस 4 माइनस 8, सो माइनस 13 प्लस 5 किया, फिर से डबल कॉम्बिनेशन, फिर माइनस 1, तो उसके लिए ये डायरेक्टली माइनस हो जाते हैं, सो 55 इज द आंसर। लास्ट एग्जांपल में है 73 माइनस 8, सो माइनस 13 प्लस 5 किया, फिर प्लस 4, फिर माइनस 5, ये 5 माइनस, सो 64 अपना आंसर है। सो इसी के साथ ये रो हो गए हैं कंप्लीट, और आज का वीडियो भी यही एंड होता है। आई होप आपको ये समझ आया हो, अगर नहीं समझ आया हो ना तो आप फिर से वीडियो देखो, या फिर आप क्या करो, आपको बस बेसिक याद रखना है कि डबल कॉम्बिनेशन अगर माइनस 8 के लिए हमें यूज़ करना है ना, तो माइनस 8 का हमको है ना बिग फ्रेंड्स का फॉर्मूला याद करना है जो होता है माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस 2। अगर आप ये फॉर्मूला याद रखते हो तो आप ये सॉल्व कर सकते हो कि प्लस 2 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसका स्मॉल फ्रेंड्स फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा जो है माइनस 3 प्लस 5। तो ऐसे आप इसमें से डिराइव कर सकते हो फॉर्मूले कि मैं 10 तो डायरेक्टली माइनस कर सकता हूँ, वो मैंने कर दिया, बट प्लस 2 नहीं कर सकता ना, तो उसका स्मॉल फ्रेंड्स का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। बस इतना ही है ये डबल कॉम्बिनेशन में। ये बस हार्ड क्यों लगता है, क्योंकि हम दो फॉर्मूले यूज़ करते हैं, पर अगर आप कंसेप्ट वाइज जाते हो तो आपको ये ईजी लगेगा। तो इसके लिए बस आपके सभी फॉर्मूले लर्न होने चाहिए बिग फ्रेंड्स और स्मॉल फ्रेंड्स के, तभी आपको ये कॉम्बिनेशन वाला टॉपिक भी इजी जाएगा। तो वो भी मैंने सिखा दिए हैं, वो तो बहुत ही पहले हो गए हैं, तो वो भी आप जरूर चेक करो, उनकी भी प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वो भी सीख लो, वो लर्न कर लो, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है थ्रू आउट द एबेकस, सभी लेवल में वो काम आते हैं। सो ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट करके पूछो अगर कोई डाउट हो तो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे एबेक्स रिलेटेड वीडियोस के लिए। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।